वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ बहुत ही, जिसे मैं कहती हूँ ना, आसानी पैदा करने के लिए एक सहेली आ गई है यहाँ पर। जो आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं, जिसमें सब्जियाँ होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनसे आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो सकती है। और पाकिस्तान में हम सब जानते हैं जो एरिया है, इसके अंदर हर किसी की कोशिश होती है कि उनका रंग साफ़ हो जाए। हम ये कहते हैं कि बस और कुछ हो ना हो, मगर एक टोन होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका रंग जैसा भी हो, मगर उसकी टोन एक अगर है ना, तो वही खूबसूरती है। बहुत ज़्यादा गोरा या बहुत ज़्यादा सांवला रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी टोन एक जैसी है, तो आई थिंक दैट्स योर ब्यूटी। और हमारे साथ जो हर्बलिस्ट हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और फिर बात भी करेंगे, और वो हमें कुछ नुस्खे भी बताएंगे, कुछ टोटके भी बताएंगी। हमारे साथ हैं मिसेस नैयर ज़िक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत? अच्छा जी, मिसेस ज़िक्रिया, आज आप रंग साफ करने का कोई तरकीब बता रही, कोई टोटका बता रही, रेसिपी क्या है वो? छाइयों के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे जबरदस्त, जो मेरा अपना 20 साल आजमुद्दा जो मेरा नुस्खा है, आलू का जूस। आलू का जूस? आलू का जूस किसके लिए? छाइयों के लिए। छाइयों के लिए पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा स्किन के ऊपर ऑयल आ रहा है और कॉम्प्लेक्शन टैन हो रहा है, उसके लिए जो टीन एज बच्ची हैं अंडर 15 to 25, इस तरह की बच्चियों के लिए, क्योंकि इनको स्क्रब और इस तरह की कोई हार्श किस्म की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, राइट। आलू का जूस लें, ठीक है। आलू को धो लें, उसको कश कर लें और मलमल के कपड़े के अंदर डाल के उसका जूस निकाल लें, ठीक है। उसके अंदर 1 pinch ऑफ टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर शहद डाल लें, जस्ट, ठीक है। तो वो मतलब आपने कहा कि थोड़ी सी आपने हल्दी डाली और शहद डालना है, शहद आपने हाफ टी स्पून डालना है, और जूस कितना होना चाहिए? तकरीबन 2 tablespoons आप फेस वॉश करने के बाद 10 मिनट के बाद। एक चीज और ध्यान में रखें, फौरन मुंह धोने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर या कोई भी चेहरे के ऊपर, चाहे मेकअप भी करना, तो फौरन नहीं करते, तो स्किन को नॉर्मल होने देते। कितनी देर का? 10 मिनट तक। 10 मिनट ताकि स्किन नॉर्मल, स्किन का पीएच लेवल नॉर्मल हो। और इसको हम लोगों ने यूं करके फेस के ऊपर कॉटन के साथ आप टैप करके, जस्ट लाइक टोनर, आप इसको बॉटल के अंदर डाल के भी आप स्प्रे भी कर सकती हैं। आप दिन में नहीं कर रही हैं, शाम में अगर आप बिजी हैं, फेस वॉश करके आप रिलैक्स हैं, टीवी के आगे बैठी हैं, तो आप ये अंडर टीनेज की बच्चियां 15 to 25, और अगर मैच्योर स्किन है, इस तरह की ख्वातीन हैं कि जो अबव 25 हैं, थोड़ी हार्ड स्किन हो गई है, ब्लैक हेड्स बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा छाइयां पुरानी हो गई हैं, 2-3 साल पुरानी हो गई हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी रेसिपी डिफरेंट होगी। अच्छा, वो क्या होगी? उसके लिए आप क्या करेंगे, जस्ट लाइक अगर ऑयली स्किन है और छाइयाँ बहुत पुरानी हैं, जस्ट लाइक 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट, और ये भी मेरा 20 साल आजमुदा नुस्खा है। जितने भी मैं आपको टिप्स बताऊंगी, ये मैंने 20 साल से अपने सैलून में जो अपने क्लाइंट्स को जो है वो यूज़ करवा रही हूँ, तो इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, और जो इफेक्ट्स आते हैं वो ठीक, इसके बहुत पॉजिटिव के 8 दिन बाद आपको आपकी सहेलियां बताएंगी कि हमने, लेकिन शर्त ये है कि यूज करें, बहुत जरूरी है कि जी, अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, और हम वही बात है ना, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ चलेंगे, तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, तमाम बातें जो मिसेस नैयर हमें बताती हैं उन्हें ट्राई करें, और फिर हमें फ़ोन करके बताएं कि उसका क्या फ़ायदा हुआ। एक फ़ायदा तो मैं आपको बता दूं, रेगुलर कर ले आपके लिए, हाँ 8 दिन, हाँ बिल्कुल सही, आपके लिए, ठीक है, कि आप जाहिर सी बात अपनी सहेलियों की जो है वो चाहती हैं, इनका भला चाहती हैं कि ये इनके जो भी हैं प्रॉब्लम्स, हाँ जी, खत्म हो। तो मैच्योर स्किन के लिए आप लेमन लें, लेमन को निचोड़ दें, उसका जूस सारा निकाल लें, उसमें हनी डाल के एक हाफ लेमन, अच्छा आधा लीमू, हाँ जी, एक ग्लास पानी के अंदर आप लेमन जूस डाल के उसमें शहद डाल के आप पी लें, आपकी सारी बॉडी को वो अंदर से धो देगा। शहद और लीमू डाल के एक ग्लास पानी, अच्छा ये तो मैं रोजाना पी रही होती हूँ, यहाँ पे जो ग्लास पड़ा होता है उसके अंदर लीमू और शहद ही होता है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अब वो जो निहार मुंह में पीती हूं, निहार मुंह बेस्ट है, और जो होल बचा है, खाली उसका छिलका बचा है, आप उसके अंदर 1 pinch ऑफ टर्मरिक डालें, हल्दी डालें, और तकरीबन 1/2 teaspoon उसमें ईस्ट डालें। अच्छा, ईस्ट जो खमीर हम ये ब्रेड वगैरह के अंदर यूज करते हैं, आप उसमें वो डालें और जरा सा शहद डाल दें।
सही। आप उसको एज इट इज आप अपने पूरे फेस के ऊपर, जहाँ स्पेशल आपकी छाइयाँ हैं या आपकी लाफिंग लाइंस पे हमारे अराउंड द लिप्स जो है वो डार्क, ये वाला पैच हो जाता है, कुछ लोगों का फोरहेड मेरा मेरी ये वाली साइड हो जाती है थोड़ी सी, बिल्कुल सही। तो आप इसको पूरे फेस के ऊपर वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दें, बाकी फेस पे आप इसको मसाज करें, ये सारा इसके जूसेस, इसकी हर चीज फेस के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी। SMS करके हमें बताइए ताकि हम आने वाले प्रोग्राम में उन्हीं तमाम जो आपकी मुश्किलात होती हैं आपके फेस के हवाले से, आपकी बॉडी के हवाले से, और किसी भी कोई भी अगर आप कुछ जानना चाहती हैं हर्बलिस्ट से हमारी, तो ज़रूर हमें लिखकर भेजिए, SMS कीजिए। हमारे साथ एक और कॉल है हमारी सहेली हिना की। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अरूज। वालेकुम सलाम हिना जी, कैसी हो, क्या कहोगी? अरूज, मैं हिना जमाल बात कर रही हूँ, मैं आपको रोज ईमेल करती हूँ। रियली? थैंक यू, मुझे आपकी रोज ईमेल मिलती है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लगती है आपको प्रोग्राम भी, बहुत ज्यादा। आपको अगर याद हो हिना जमाल, आपकी ईमेल हमने इंक्लूड भी की थी दो दिन पहले, बल्कि कल की थी। अच्छा, अरूज मैंने आपको एक तो पहले आंसर दूंगी कि दाग हटाने के लिए। किसके लिए? दाग हटाने के लिए। ओके, आपका नाम भी लकी ड्रॉ में चला गया है। SMS भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज हमारी लकी ड्रॉ के अंदर। एक चीज और, ये दागों से बात याद आई कि हमारी बच्चियां और खवातीन कहीं पे भी फंक्शन में जाना है, चाहे 8 दिन के बाद उन्होंने कहीं जाना याद आ गया, तो महीने में 3-3, 4-4 दफ़ा ब्लीच बहुत ज़्यादा करती है। ये ब्लीच के उसी तरह से साइड इफेक्ट्स हमारे फेस, बल्कि उससे ज़्यादा है कि जैसे हम गर्मियों के अंदर कॉटन के कपड़ों को ब्लीच, वाइट कपड़ों को वाइट करने के लिए ब्लीच के अंदर डिप करते हैं, तो वो एक सीजन भी कपड़ा जितना मर्जी आप कीमती ले लें, वो उसके धागे तक आप देखें कि गल जाते हैं, टूट जाते हैं और कपड़ा बिल्कुल बेजान हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल जो ब्लीच का प्रोसेस है स्किन को इसी तरह से आपके सेल्स को डैमेज करता है, जिस तरह से कपड़े को खराब। अच्छा, तो मुझे बताएं मिस ज़िक्रिया, ब्लीच अगर ना करें, एक पॉलिशर चीज जो सैलॉन्स के ऊपर कही जाती है, उसमें और उसमें क्या फर्क है? देखें, डायरेक्ट पॉलिशर भी वही चीज है, लेकिन पॉलिशर को बहुत ज्यादा माइल्ड कर लिया जाता है। दूसरे नंबर पे आप सैलून्स पे जाते हैं, वो पहले आपको पूछते हैं कि आपने कितनी देर पहले जो है वो पॉलिशिंग करवाई। कोई भी बड़े से बड़ा सैलून, चाहे छोटा सैलून भी, आपको कम से कम 1-1.5 महीने से पहले पॉलिशिंग की एप्लीकेशन नहीं करता। दूसरे नंबर पे एक और बहुत जबरदस्त टोटका है, बहुत जबरदस्त टिप है स्किन ब्लीच करने की। जी, वो बता दें, मैं यही पूछना चाह रही थी चेहरे को, लेकिन उसके लिए भी बात यही पे यही है कि आप अगर एक पार्लर में जाके फेशियल के लिए 1.5-2 घंटे दे सकती हैं, आप पे भी कर रही हैं, तो घर के अंदर आपको अगर किसी चीज से 10-15 मिनट के अंदर रिजल्ट मिल रहा है तो मेरा क्या तरीका है वो बता दीजिए। मूली के बीज। अच्छा, मूली के बीज, कहाँ से मिलेंगे? आम मिल जाते हैं, आप किसी भी नर्सरी वगैरह से जहाँ से पौधे वगैरह मिलते हैं वहां से आप मूली के बीज ले लें। किसी को एक्जिमा है, फंगस है, किसी भी तरह की स्किन के ऊपर छाइयां हैं या क्रीमें यूज कर करके थक गई हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये 4 फार्मूले वाली क्रीम्स यूज की हैं, इनको चाहिए कि पहले 6 माह अपनी स्किन को रेस्ट दें। अच्छा, तो मूली के बीजों का करना, मूली के बीज आप लें, मूली के बीज को आप ग्राइंड करके रखें, उसका पाउडर बना के आप रख लें, आप 1/2 टीस्पून मूली के बीज लें और उसके अंदर आप 1 टेबलस्पून जुगरा डाल दें। क्या डाल दें? 1 टेबलस्पून दही, आप दही नॉर्मल वाला आपने लेना है, वो पैकेट वगैरह वाला नहीं लेना, ठीक है? क्योंकि उसमें प्योर लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड जो बाजार से मिलता है, वो आपने दही का 1 चम्मच डाल दिया और आधा चम्मच आपने मूली के तेलों को जो मूली के बीज ग्राइंड करके उसका पाउडर, मूली के बीजों का पाउडर डाल दिया। मूली के बीज स्किन ब्लीच करेंगे, प्लस आपके अगर बालों का, चेहरे के बालों का डार्क कलर है, ब्लैक कलर है, उसको भी लाइट करेगा, स्किन को भी ब्लीच करेगा, प्लस जो लैक्टिक एसिड है दही के अंदर, वो आपकी स्किन के ऊपर जो एक डेड सी लेयर बनी हुई है, डेड सेल्स बने हुए हैं, दही उसको रिमूव करेगा। ठीक हो गया, ये रोजाना करना है या हफ्ते में? इसकी पेस्ट बना के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें और एज अ पैक आप इसको फेस पे लगाएं, 10 मिनट लगा रहे सॉफ्टली मसाज करके फेस वॉश कर लें, और हफ्ते में एक दफा, डेली करना, 8 दिन के अंदर अंदर जिनकी 3 साल पुरानी छाइयां हैं, 50% उन्हें फर्क पड़ेगा, 100% गारंटी के साथ। वेरी गुड, मनी बैक गारंटी। और जो यूज करेंगी आपको पता है कि मेरी हर्बल कंपनी भी है, हमारी कंपनी की तरफ से उन्हें जिनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे उन्हें जो आपको उन्हें हम अपनी कंपनी की तरफ से जो है वो स्पेशल गिफ्ट देंगे। क्या बात है जी, आज तो बहुत ही गनी हो गई हमारी हर्बलिस्ट साहिबा, और उन्होंने कहा जी आपको
गिफ्ट्स भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेज जिक्रिया। और मेरी सहेलियाँ, अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, फ़ौरन हमें SMS भी करें, हमें बताएं, ताकि आने वाले वक्त में जब हमारे साथ मिसेज जिक्रिया हों तो हम आपके मसले मसाइल उन तक पहुँचाएँ और उनका हल आपको देने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात।